तो हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो कैसा होने वाला और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे 500 सब्सक्राइबर कराए हैं। बहुत दिल खुश है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो सच बताऊँ, मुझे भी यकीन नहीं था कि यहाँ तक भी पहुँचूंगा, 500 भी होंगे मेरे। बहुत स्लो प्रोग्रेस है, लगभग 350 के करीब वीडियो हो चुके हैं तब जाके 500 सब्सक्राइबर हुए हैं। लेकिन जो हुआ है मेरे लिए अच्छा हुआ है, मेरा दिल खुश है। तो गाइस, पहले मेरे को जब चैनल स्टार्ट किया था तब इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं आते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डालते हैं उस पर भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, और ख़ासतौर से इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे से। तो गाइस, 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में आज मैंने डिसाइड किया है कि आज आपके सवालों के जवाब देंगे। तो मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसमें से बार बार मैं देख कर आपके सवाल पढ़ नहीं सकता और जवाब दे नहीं सकता, तो इसलिए मैंने एक कॉपी पे कुछ सवाल छांट लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल हैं ज़्यादातर एक ही जैसे हैं लेकिन अलग अलग लोगों के हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा सवाल नहीं लिया है। जो सवाल आपको लगे कि मेरे जैसा ही है, मिलता जुलता है, तो समझ लीजिएगा कि आप ही के सवाल का जवाब है। वैसे भी वीडियो ज़्यादा बड़ी कर नहीं सकता, एक लिमिट होती है, और ज़्यादा सवाल भी नहीं ले सकता था, लेकिन मैंने कुछ उसमें से छांटे हैं। कुछ पुराने वीडियोस पे आए हैं मेरे को सवाल, कुछ नए पे आए हैं, कुछ इंस्टाग्राम के, तो दोनों जगह के मैंने सवाल एक साथ मिला लिए हैं। इनके आज सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला सवाल पूछा है, इनका नाम है देवाशीष चौधरी। ये पूछ रहे हैं कि आप मथुरा में कहाँ रहते हो। तो देवाशीष जी, मथुरा स्टेशन के पास एक जगह है धौली प्याऊ, और धौली प्याऊ में एक कॉलोनी आती है मोतीकुंज। मैं मोतीकुंज का रहने वाला हूँ, पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं मोतीकुंज में रहता हूँ। अब दूसरा सवाल है, कोई रानू जी हैं, आपकी शादी कब हुई? शादी के बारे में पूछ रही है। मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, दरअसल जब मैं 16 साल का था तभी मेरी शादी हो गई थी, सन 2004, 24 फरवरी 2004 को मेरी शादी हो गई थी। एक्चुअली मैंने वीडियो में बताया कि मेरे पापा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, जब मैं 9 साल का था तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो सबसे घर में बड़ा मैं था, तो मेरी शादी सबसे पहले हो गई। अब 2022 चल रही है, तो लगभग 16-17 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। अगले हैं राजकुमार जी, आप दिन का कितना कमा लेते हो? किस बारे में पूछ रहे हो भाई, यूट्यूब की अर्निंग या फिर मैं जो गाड़ी चलाता हूँ उसकी अर्निंग? यूट्यूब का तो आपको पता ही है, अभी 500 सब्सक्राइबर है तो यूट्यूब की अर्निंग कहाँ से आएगी। हाँ, गाड़ी का है, दिन का कभी 500 कभी 600 जैसा काम होता है, 700-800 भी हो जाते हैं, तो ये मेरी इनकम है, इसी से मेरा परिवार चलता है। और जैसे ही मेरे खर्चे हैं, मेरे परिवार के हैं, हम जैसे लोगों के होते हैं, उसमें ठीक ठाक परिवार चल जाता है। कुछ दिनों से परेशान चल रहा हूँ गाड़ी की वजह से, बाकी सब ठीक है। अगले हैं आदित्य जी, ये लिखते हैं, आपके बन के सब्सक्राइबर कब होंगे? भाई ये तो बहुत चुभने वाला सवाल है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको ही करना है। वैसे भी गाइस, जब मैं चैनल को देखता हूँ तो लगभग 37-35 के करीब मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बनके जल्दी से हो जाएंगे। तो गाइस, अगला सवाल है विक्रम जी का, ये पूछ रहे हैं, आप मथुरा में कब से रह रहे हैं और आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव का नाम है तारसी, और हम मथुरा में सन 1999 में आ गए थे, यानी कि 1999 में आए थे, लगभग 20-22 साल हो चुके हैं हमको यहाँ आए हुए। तो गाइस, अगला सवाल है सोनाली जी का, ये पूछ रही हैं, आपके पास कौन सा कैमरा है जिससे आप ब्लॉग बनाते हो? मेरे पास सोनाली जी, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मेरे पास एक मोबाइल है ओप्पो F17 Pro, इसी से मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी से एडिट करता हूँ, इसी से अपलोड करता हूँ। तो एक जो भी कैमरा है, जो भी सिस्टम है, पूरा का पूरा सेटअप है, वो मेरा एक मोबाइल ही है, सारा काम मैं इसी से करता हूँ। अगले हैं सौरभ परवार जी, अगर नाम की प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। सौरभ परवार जी पूछ रहे हैं, आप नंबर दो अपना, हमको भी महिंद्रा ट्रियो लेनी है। ये ट्रियो के बारे में सवाल है, देखिए मेरे नंबर का आप क्या करोगे, मैंने सारी की सारी वीडियो बना रखी है, जब से मैंने वो महिंद्रा ट्रियो खरीदी है तब से लेके अब तक जो जो प्रोग्रेस हुई है, जो जो गाड़ी में बनाया है, जो जो बिगड़ा है, वो सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो नंबर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस हैं अनुराम पाल जी, मथुरा वृंदावन के लिए बस सर्विस है कि नहीं? हाँ है,
मथुरा से वृंदावन जाने के लिए बस जाती है और वृंदावन से मथुरा के लिए भी बस आती है। लेकिन अगर आप वृंदावन मथुरा घूमने की सोच रहे हो और मंदिर सारे घूमने की सोच रहे हो तो इसके लिए बस नहीं मिलती है। ये केवल मथुरा के बस स्टैंड से आपको वृंदावन के बस स्टैंड तक छोड़ती है और वैसे ही लेके वापस भी आती है। अगर आपको सारे मंदिर घूमने हैं तो आप एक मंदिर उतर जाइए, उसके बाद दूसरा ऑटो लीजिए, तीसरा ऑटो लीजिए, ऐसे करके घूम सकते हैं। या फिर सारे दिन के लिए कोई ऑटो बुक कर लीजिए, वो आपको सारा मंदिर घुमा के छोड़ देगा। ऐसे हो सकता है, वैसे हर मंदिर के सामने से बसें नहीं निकलती हैं। तो गाइस अगला सवाल पूछा है बॉबी जी ने। बॉबी जी पूछ रहे हैं, आपका नाम मनोज फौजी है क्या, आप पहले आर्मी में थे? बॉबी जी इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पापा एमएस में थे और एमएस वालों को पहले आर्मी वाली वर्दी मिलती थी क्योंकि वो आर्मी का ही डिपार्टमेंट है। और जब पापा एक्सपायर हो गए थे ना तो उनकी बहुत सारी ढेर सारी हमारे पास वर्दियाँ पड़ी हुई थी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और रेस वगैरह दौड़ वगैरह लगाने के लिए जाता था ना तो मैंने पापा की जो ड्रेस थी उनमें से अपने लिए पैंट और टी शर्ट वगैरह बना शर्ट वगैरह बना रखी थी जो आर्मी की ड्रेस जैसी होती थी। तो उसी से मेरे दोस्त वगैरह मेरे को फौजी फौजी बुलाने लगे और वहीं से मेरा नाम मनोज फौजी पड़ गया। जितने भी मेरे आस पड़ोस के लोग हैं ज़्यादातर मेरे को मनोज फौजी के नाम से ही जानते हैं, मैं आर्मी में नहीं था। गाइस अगला सवाल जो है वो है रमेश जी का। वो पूछ रहे हैं कि हम मथुरा आएँ तो क्या आप हमसे मिलोगे? क्यों नहीं मिलेंगे सर, मैं मथुरा जंक्शन पर रहता हूँ और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दोपहर में आ जाता हूँ वैसे। लेकिन आप अगर इस बीच में आते हो तो मैं कभी भी मिलूँगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम वगैरह पर लिख सकते हो तो मैं आपको वैसे भी मिल सकता हूँ, आपको कॉल भी कर सकता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। गाइस अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि आप यूट्यूब पर किस किस के वीडियोस देखते हो? कई लोगों के देखता हूँ, सौरभ जोशी हैं, संतोष रोकड़े हैं, आशीष विद्यार्थी एक्टर ब्लॉग्स हैं। सबसे ज़्यादा मुझे उन्हीं के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। आशीष विद्यार्थी जो हैं एक्टर भी है, सबसे पहले तो बात यह है कि उनके पास सारा टैलेंट है, उन्होंने शुरू से पूरा जीवन एक्टिंग की है और हम छोटे छोटे थे तभी से उनकी मूवीज देखते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, ब्लॉग भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं, आप भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। सौरभ जोशी भी हैं, वो भी मेरे फेवरेट हैं, संतोष रोकड़े वो भी फेवरेट हैं। इन तीनों के मैं लगभग सारे ब्लॉग देखता हूँ। और गैस अब कोई सवाल नहीं है, तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सवाल लेने की कोशिश किए थे लेकिन वीडियो की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। इतनी छोटी सी टाइमिंग, जितने सवाल ले सकता था उतने लिए हैं। अगर किसी के सवाल रह गए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अगले टाइम जब भी करेंगे आपके सवालों को लेंगे। आप कमेंट करके बोलिएगा कि मेरे सवाल नहीं लिए हैं आपने तो मैं नोटिस में लिख लूँगा, अगली बार जब भी करूँगा क्वेश्चन आंसर तब लूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश किए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।